पता नहीं ये हिमेश रेशमिया मेलोडीज है या इस चैनल का नाम होना चाहिए रिपीटेड मेलोडीज। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संदीप मौर्य और आप देख रहे हैं संदीप बॉलीवुड। दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बता दूँ, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, मैं हिमेश जी के नए गाने को रिव्यू करने आया हूँ। इस गाने का नाम है तेरे बिन दिल ये मेरा और आज हम लोग यहाँ पे फ्रेंकली रिव्यू करेंगे। आपको पता है भला ही मैं हिमेश जी का फैन हूँ लेकिन म्यूजिक से मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चाई सामने लाता हूँ। तो आज हम लोग खुल के इस गाने को रिव्यू करेंगे, इसकी ऑडियो वीडियो, और देखेंगे कि क्या ये सच का ब्लॉकबस्टर है या इनकी टीम ने पहले से फिर से एक बोर्ड तैयार कर रखा है ब्लॉकबस्टर का। फिलहाल ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस गाने का रिव्यू। आइए हुजूर, चढ़ाते हैं आप पे अपने इस वीडियो का सुरूर। जी हाँ दोस्तों, आज हिमेश फैम मेलोडीज चैनल पे हिमेश के दिल से एल्बम का 35वां सॉन्ग लॉन्च हुआ जिसका नाम है तेरे बिन दिल ये मेरा। इस गाने के सिंगर हैं आदित्य नारायण जी और इसके म्यूजिक डायरेक्टर लिरिक्स राइटर हिमेश रेशमिया जी हैं। हमेशा की तरीके ये गाना शुरू होता है हिमेश जी की एक शायरी से। अब तो मैं भी बोर हो चुका हूँ शुरू में शायरी सुना सुना के, मुझे पता नहीं है यार ये लोग सेम धड़ल्ले से काम करे चले आ रहे हैं। फिलहाल शायरी ठीक ठाक ही है, ओके ओके ही है, क्योंकि अब मैं बोर हो गया हूँ, आप लोग भी हो ही गए होंगे, कहने को आप जो भी कहें। उसके बाद आता है म्यूज़िक का एक पीस, माने कि गिटार का पीस है, अगर मैं दिल से कहूँ बहुत ही खूबसूरत गिटार का पीस है, दिल तक गया है। बस उस पीस के अलावा जब गाना शुरू होता है तो मुझे कुछ भी नया नहीं लगा। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो म्यूज़िक के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि मैं जो रिव्यू दे रहा हूँ, आप मेरे पिछले जितने गाने हैं आप देख सकते हैं, उसमें रिव्यू में सेम म्यूज़िक आप लोग कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी क्या म्यूज़िक टीम है, मुझे नहीं लगता है हिमेश जी का यह काम होगा, क्योंकि 35 सॉन्ग हिमेश के दिल से आ चुके हैं, उसमें से आप देख लीजिए 28-30 गाने सेम हैं, सेम लूप्स पे ही आप लोग काम कर रहे हो, सेम रिदम चल रहा है, सेम फीलिंग्स हैं। मतलब हिमेश जी की जो भी टीम है उनको समझना चाहिए यार, आप लोग इंडिया नहीं वर्ल्ड के नंबर रॉकस्टार हिमेश जी के साथ काम कर रहे हो, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो आपको सोचना चाहिए कि आप लोग वहाँ कर क्या रहे हो, आपको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है हिमेश जी भी नहीं सुनते होंगे, तो मेरी हिमेश जी से रिक्वेस्ट है कि आप भी वो गाने देखें कि कैसे आपकी टीम सेम टू सेम काम किए जा रही है, जिससे कि मार्केट में गलत इफेक्ट पड़ रहा है। सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हिमेश मेलोडीज़ में क्या चल रहा है, क्या ये वही हिमेश रेशमिया जी हैं जिन्होंने लगातार 36 हिट्स दिए थे, आशिक बनाया आपने, तेरे नाम, झलक दिखला जा, माने कि वो दौर था जो कि हिमेश जी को लीजेंड बनाया था उसने, और अब आप देखिए कि आपके चैनल पे क्या काम चल रहा है। कहीं ना कहीं मैं सच्चाई बोलता हूँ, जब अच्छा काम आता है मैं अच्छा बोलता हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है, सेम म्यूज़िक, सेम लूप्स, लूप भी वही 5-6 लूप्स हैं, वही घुमा फिरा के आया करेंगे। मुझे समझ नहीं आता, आप लोग स्टूडियो में ढोलक वाले को बुला लेते हैं, तबले वाले को बुला लेते हैं, सबको बुलाते हैं जो कि अच्छा करते हैं, तो क्या सर शूटिंग के लिए आप लोग बुलाते हैं? आपके पास इतनी बड़ी टीम है, क्या वो लोग इतना काम नहीं कर सकते कि उनसे मैन्युअली वो चीज़ बजवा ले, मैन्युअली रिकॉर्ड करा ले? लूप्स की क्या ज़रूरत है, हर बार आप लोग प्री रिकॉर्डेड लूप्स ले आते हो, जिससे कि मुझे लगता है काफ़ी बैड इंप्रेशन चैनल पर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं हिमेश में मेलोडीज़ को ये चीज़ यहाँ पर बैठ के सोचनी पड़ेगी कि आपको अपना नाम एज अ यूट्यूबर रखना है या भारत या वर्ल्ड के नंबर रॉकस्टार की तरीके रखना है। आप लोग खुश तो इतना हो जाते हो, 1 मिलियन पे ही बोर्ड लगा देते हो, वन मोर ब्लॉकबस्टर, माने कि जैसे कोई एक छोटा मोटा यूट्यूबर खुश हो जाता है 10K व्यूज़ के बाद एक बोर्ड आता है। सर ब्लॉकबस्टर की डिफिनीशन ही अलग होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये काम आपकी टीम का ही है। अगर ये टीम काम नहीं कर पा रही सर, तो जिस तरीके आप लोग सिंगर्स को चांस दे रहे हैं, तो उस तरीके मेरे हिसाब से अगर आपकी टीम से नहीं हो पा रहा है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रिपीटेड वर्क सर कहीं ना कहीं चैनल का नाम मतलब मार्केट में ख़राब कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए आपके व्यूज़ 5 मिलियन भी नहीं पहुंच पा रहे, जबकि 5.5 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं। मुझे दुख होता है यार, दिल से मैं चाहता हूँ हमेशा इंडिया नहीं वर्ल्ड का नंबर रॉक चैनल बने, बट आपकी टीम क्या कर रही मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपके जो भी गाने मिक्स कर रहे हैं, जब अच्छा करते हैं तो मैं अच्छा भी बोलता हूँ, लेकिन ये लोग काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब मेरे अंदर आज ये गुस्सा है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब हिमेश जी को कोई कुछ भी कहता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, हिमेश जी की कोई गलती नहीं है और हिमेश जी को खुल के सामने आना चाहिए, क्योंकि नाम हिमेश में मेलोडीज़ चैनल का रखा गया है, लोग तो इसको रिपीटेड मेलोडीज़ बोल रहे हैं। आप देखिए सेम म्यूज़िक है, सेम लूप्स हैं, माने कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बाकी म्यूज़िक के बारे में क्या बोलूँ, म्यूज़िक लास्ट के आप 2-4 सॉन्ग देख लीजिए, सेम ही सेम है, सब कुछ चीज़ें सेम है। तो ऑडियंस भी सर बोर हो रही है, अब टाइम आ गया आपको इस पर वर्क
करना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके व्यूज़ 1 मिलियन भी नहीं होंगे जैसे लास्ट सॉन्ग में हुआ, भले ही आपने 2 मिलियन का उसमें बोर्ड लगा दिया है। तो सर आपको दिल में ब्लॉकबस्टर बनाना है ना कि बोर्ड में ब्लॉकबस्टर, ये चीज़ आप अपनी टीम को समझाइए। और आप लोग जो भी इमेज के साथ काम कर रहे हैं, गाने मिक्स कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत काम आता है या, लेकिन मैं एज अ लिसनर जब सुनता हूँ तो वो चीज़ मुझे साफ सुनाई दे रही है। सर आप लोग बहुत लकी हो जो हिमेश जी के साथ काम कर रहे हो, आप लोग क्यों नहीं काम करना चाह रहे हो? आप लोगों को चाहिए कि कुछ अलग करें, उनके पास टाइम नहीं, तो आपको भी ये चीज़ सोचना चाहिए। मतलब मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। और अब आता हूँ गाने के बारे में। देखिए गाना गाया आदित्य नारायण ने, आप गाना सुनिए, तेरे बिन दिल ये मेरा, अच्छा गाया आदित्य नारायण की फीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन मुझे इसमें भी शिकायत है जिन्होंने मिक्स किया है गाने को, ऐसा बना दिया। आप सुनिए आदित्य नारायण की इतनी अच्छी वॉइस को टोटली वेस्ट कर दिया है। आप देखिए उसमें, सुनिए 2-3 बार सुनिए गाने को, आप देखेंगे रोबोटिक टाइप की आवाज़ निकल के आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ऑटो ट्यूनर लगा दिया गया है। अरे यार नेचुरल वाइज ही उनकी अच्छी थी, क्या ज़रूरत था उसमें इतना ज़्यादा ऑटो ट्यूनर यूज़ करने का? चैनल का नाम ही मेलोडीज़ है, तो रियल मेलोडीज़ लोगों को चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको इतना ऑटो ट्यूनर यहाँ पर लगाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इस गाने में DT यानी डुअल ट्रैक का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, बट आप लोग सही से यूज़ भी नहीं कर पा रहे हो। वो साफ साफ रोबोटिक वॉइस का फील दे रही है। ऐसा नहीं DT आप लोगों ने ही यूज़ किया, इससे पहले हिमेश जी के पुराने जितने भी गाने अधिकतर डुअल ट्रैक में ही होते थे, बट उसमें एक नेचुरालिटी होती थी, रियलिटी होती थी, वो लगता था कि चीज़ है। लेकिन ये गाना मुझे काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आदित्य नारायण ने फील से गाया, अच्छा गाया, लेकिन जिन्होंने भी गाने को बनाया है, मिक्स किया है, मैं खुला बोल रहा हूँ, गाने को टोटली वेस्ट कर दिया है। एक बार से ज़्यादा आप सुन नहीं सकते, रोबोटिक फील आएगा, नेचुरल फील आएगा ही नहीं। बाकी आदित्य नारायण ने अच्छा ही गाया है, अगर रियल वाइज में आता तो गाना और अच्छा होता। और अब मैं बताता हूँ वीडियो के बारे में। देखिए वीडियो आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, आदित्य नारायण देखिए एक्टिंग कर रहे हैं, हालांकि वो एक एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, एक्टिंग अच्छी की है गाने के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग लगी, जो कि मुझे आदित्य नारायण से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि आप खुद एक मंझे हुए एक्टर हो। अरे हल्की फुल्की चलो ओवर एक्टिंग चलती है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी वीडियो एडिट कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए, जब आदित्य नारायण इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो क्यों ना उनका एज एन एक्टर यूज़ किया जाए, एक अच्छा सा वीडियो शूट करवा लेते, स्टूडियो वर्जन में ही अलग अलग एंगल से कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते थे। लेकिन आप लोग वो भी नहीं कर सकते हो और फिर बोलते हो कि व्यूज़ गिर रहे हैं, फिर फर्जी का ब्लॉकबस्टर का बोर्ड ला के लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स है हिमेश भाई मेलोडीज़ पे। और मुझे लगता है कि अभी हिमेश भाई मेलोडीज़ खुद भी भूल चुका है कि वो एज अ यूट्यूबर वर्क करना चाह रहा है या एज अ लेजेंडरी वो जो सिंगर म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश जी का जिस तरीके नाम मार्केट में है उस तरीके काम करना चाह रहा है। तो अभी इनको बैठ के सोचना चाहिए। ओवरऑल मैं इस गाने से डिसअपॉइंट हुआ। जो लोग भी गाने मिक्स कर रहे हैं या बैकअप में काम कर रहे हैं हिमेश जी की, तो हिमेश जी को पर्सनली इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे देखना चाहिए कि सेम चीज़ें आ रही हैं। मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ सर, मेरा ये कोई मकसद नहीं मैं किसी को गलत कहूँ सही कहूँ, मैं कौन होता हूँ, मैं सिर्फ रियल रिव्यू ही करता हूँ और आम लोगों की आवाज़ हूँ, क्योंकि हिमेश जी मेरे गॉड हैं, मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं संदीप इसमें क्या चल रहा है, तो सही बात है, एक बार हो, दो बार हो, 100 बार वही काम आता है। अभी आप देखिए शिकायना के गाना ले लीजिए, रूपाली जग्गा के ले लीजिए, एक दो सलमान अली के, सवाई भट्ट के, जो गाने अच्छे होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो आउटस्टैंडिंग हैं, उनको कोई छू भी नहीं सकता। तो जहाँ पे अच्छा रिव्यू होता है मैं अच्छा बोलता हूँ, लेकिन मुझे ओवरऑल इस गाने ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। और अब हिमेश जी को जागना चाहिए, देखना चाहिए, पर्सनली सुनना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं नाम हिमेश जी का ही जा रहा है, लोग यही कहते हैं हिमेश जी का चैनल है। सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके म्यूज़िक टीम जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, आप लोग मल्टी टैलेंटेड हो, लेकिन मुझे लगता है आप लोग काम नहीं करना चाह रहे हो, सेम लूप पे काम कर रहे हो। आपको सोचना पड़ेगा, आप एक लेजेंड के साथ काम कर रहे हैं, अगर हिमेश जी के पास टाइम नहीं तो आपको सोचना चाहिए यार कि एक इंसान का मार्केट में इतना नाम है, तो आप लोग ऐसा काम मत करें जो लोगों को सेम फील दे। बाकी अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, मैं सच्चा बोलता हूँ। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी आप और कौन से सिंगर्स को सुनना चाहते हैं और कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं हिमेश में मेलोडीज़ इस समय गलत ट्रैक पे जा रहा है। तो ये था मेरे पूरे गाने का रिव्यू। कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी, जय हिंदुस्तान, लव यू ऑल।